हम देखते हैं कि गोकू के सामने बीरस खड़ा होता है। गोकू उसे देख के काफी हैरान होता है और कहता है, तुम भला यहाँ पर कैसे? इस पे बीरस कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी समय लग गया गोकू, लेकिन तुम मुझे आखिरकार मिल ही गए। इस पे गोकू कहता है, लगता है मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती कर दी। मुझे तुम्हें भी उसके साथ मार देना चाहिए था। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे? मुझे बहुत ही जरूरी काम है और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त कोई भी मेरे रास्ते में आए। इस पे बीरस कहता है, मैं भी तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी है। इस पे गोकू कहता है, मैं अभी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, समझे? तो बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे बीरस कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है गोकू, तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें मारने आया हूँ। इस पे गोकू कहता है, तुम सभी जिस चीज के जिम्मेदार थे तुम्हें वही मिला है। इस पे बीरस कहता है, तो ठीक है, तुम भी जिस चीज के लिए जिम्मेदार हो तुम्हें भी वही मिलेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस गोकू पे अपना हमला कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहने के बाद गोकू बीरस पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि बीरस रोक लेता है और कहता है, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें मारने के बाद ही जाऊंगा, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस गोकू पे लगातार अपना हमला करता रहता है। गोकू सिर्फ उसके हमले को रोकता है और उससे कहता है, तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो बीरस, तुम्हें नहीं पता मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ, वो इस पूरे प्लेनेट को खत्म कर देगा। इस पे बीरस कहता है, अब तुम्हें इस प्लेनेट की चिंता है, लेकिन तुमने जो सभी यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया, सभी गॉड्स को मार दिया, क्या वो सब तुम भूल गए? इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला। और ये बात वो कहने के बाद गोकू बीरस पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि बीरस थोड़ा दूर जाके गिरता है। इसके बाद बीरस कहता है, सभी यूनिवर्स को खत्म करने के बाद तुम इस यूनिवर्स को बचाने के बारे में सोच रहे हो, कितनी अजीब बात है। इस पे गोकू कहता है, तुम कुछ नहीं समझ सकते, समझे बीरस, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए वापस आया था, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने सब कुछ खोया है? मैंने गोहान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खत्म हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर उस वक्त मैं जिंदा होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। मैंने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ और सिर्फ उस फू की वजह से, और उसे मारने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और इन सभी की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, अगर तुम सभी लोग मिलके मुझे टाइम चेंबर में बंद ना करते तो ये सारी नौबत कभी भी ना आती। इन सभी के जिम्मेदार तुम लोग भी हो, और मैंने सिर्फ और सिर्फ उन सभी को उनके कर्मों की सजा दी है, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस पे बीरस कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी गोकू, कि तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम इसके लिए पछताओगे। इसके बाद बीरस अपनी पावर को अप करता है और अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देख के गोकू कहता है, अब ये भला क्या है, ये तुमने क्या किया है? इस पे बीरस कहता है, मैंने काफी समय से अपनी ताकत को इसके लिए तैयार किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। इस पे गोकू कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ बीरस, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे अभी लड़ना नहीं चाहता, समझे? जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि बीरस गोकू पे अपना हमला कर देता है। गोकू उसके हमले को देख नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे बीरस कहता है, मैंने इस ताकत को पाने के लिए काफी मेहनत की है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए। इस पे गोकू कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, ठीक है मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहने के बाद गोकू बीरस पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन बीरस उसके हमले को अवॉइड करता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी बीरस के हमले को अवॉइड कर लेता है और उससे कहता है, तुम्हें ये खेल खेलना है तो थोड़ा और जोर लगाना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस पे फिर से अपना हमला करता है। बीरस इस बार उसके अटैक को डॉच कर लेता है और उससे कहता है, मुझे पहले की तरह समझने की गलती मत करना, समझे गोकू, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये कहने के बाद बीरस गोकू पे एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और गोकू काफी दूर जाके गिरता है। उधर हम वेजिटा को देखते हैं,
जो कि राउसा के सामने खड़ा होता है। राउसा उससे कहता है, तुम्हें मेरे काम के बीच में दखल नहीं देना चाहिए था, समझे? तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते हो। इस पे वेजिटा कहता है, मैं बस तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। इस पे राउसा कहता है, तो लो मैं आ गया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखाता हूँ, जरा इसे संभाल कर दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि राउसा वेजिटा पे अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इसे देख के राउसा कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? इस पे कनार कहता है, लॉर्ड राउसा, इसने इस प्लेनेट की एनर्जी को खत्म नहीं किया है, वो ये नहीं है, वो कोई और था। इस पे राउसा कहता है, अगर ये वो नहीं है तो वो कहाँ है? इस पे वेजिटा कहता है, उस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, समझे? और मेरे रहते तुम उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस पे राउसा कहता है, यानी कि मैं इतनी देर से गलत शख्स के साथ लड़ रहा था, लेकिन तुम भी काफी ताकतवर हो। इस चीज पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम जैसा कोई इतना ताकतवर यहाँ पर हो सकता है, यह मैंने नहीं सोचा था। इस पे वेजिटा कहता है, बहुत हो गया, चलो अब इस लड़ाई को शुरू करें। वेजिटा ये कहते ही राउसा पे अपना हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि राउसा वेजिटा के अटैक को आराम से डॉच कर लेता है और कहता है, तुम ये बात भूल गए कि तुम कहां पर खड़े हो, ये मेरा यूनिवर्स है और ये मेरे हिसाब से चलता है। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझे मेरे यूनिवर्स में नहीं हरा सकते, समझे? ये कहने के बाद राउसा वेजिटा पे अपना हमला करता है, जिससे कि वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। इसे देख के ट्रंक्स कहता है, नहीं डैड। ये देख के लॉक को भी काफी गुस्सा आता है और वो राउसा पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि राउसा भी उसके अटैक को डॉच कर लेता है और उसे भी काफी जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से लॉक भी काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स और ब्रोली भी अपनी पावर को अप करते हैं और वो भी राउसा पे अपना हमला करते हैं, लेकिन तभी वेजिटा उठ जाता है और कहता है, रुक जाओ, इसे सिर्फ मैं लड़ूंगा और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी मेरी लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, लेकिन डैड क्या आप सच में उससे लड़ पाएंगे? इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना, और जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी लड़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद वेजिटा राउसा से कहता है, हाँ तो तुम में काफी ताकत है ना, चलो दिखाओ अपनी असली ताकत। ये बात को कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और राउसा पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि राउसा काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कनार कहता है, क्या, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है, तुमने लॉर्ड राउसा को हिट कैसे किया? इस पे वेजिटा कहता है, मैंने तो सिर्फ पहला ही वार किया है, मैंने कहा ना तुम अपनी आंखों से अपने लॉर्ड राउसा को मरते हुए देखोगे। इस पे राउसा कहता है, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था मुझे कोई भी चोट पहुंचा सकता है, वाकई में तुमसे लड़ने में मजा आएगा। इस पे वेजिटा कहता है, क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद तुम लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहोगे, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी।